हाँ माता जी, क्या हाल चाल है? हाल बढ़िया है। सब बढ़िया चल रहा है गांव में? बढ़िया भैया, गांव में गांव को का माहौल में बताई सके थे, अपने बताई सके थे, गांव अपने बताई दो। हाँ और का सही चल रहा है? सब सही का चलो, कोई ऐसे सरकार द्वारा से कोई चीज नहीं मिल रही है। कौन सी चीज नहीं मिली आपको? ना कॉलोनी मिल रही, ना कोई लेटरिन मिली, इतनी कोई सो गड्ढा खुदो है। वो तो हमारे 10-15 जन हमारे घर में आ गई है, तो बच जाइए महीना दो महीना। वहाँ सांची बात कहे, झूठी तोरी कह रहे। हाँ वो आज तो बड़ा गड्ढा खुदा हुआ भाई प्रधान ने। हाँ और आप बताइए क्या हो रहा है? कुछ मिला कि नहीं मिला आपको? लेटरिन मिली और कुछ ना मिलो। और क्या मिलना चाहिए था आपको? बहुत चीजें, सारी चीजें चलती सरकारी हमें। और पेंशन वगैरह मिल रही है आपको? नहीं मिल रही? कुछ नहीं मिल रही है? नहीं तो आपने अपने गांव में जो प्रधान चुना उससे आपने कुछ कहा कि नहीं कहा? कुछ वरदान से भाई, अब जो खाली लेटरिन मिली और कोई चीज ना मिली। हाँ हम जो पूछ रहे उसका आपने जवाब नहीं दिया। हम कह रहे आपने प्रधान से कुछ कहा कि नहीं कहा? कहाँ जब भाई कुछ, मैं सब लोग कहें तो हम कहाँ मीटिंग जो रहता। अरे आपकी समस्या आप कहेंगी, सब लोग कहेंगे। हमने कही भैया, ये हमारे यहाँ पर जगह पर ही है। हमने कही मान लो हमारे जैसे हमारे चलो खेत पास हमारे घर में इंसान, हमने कही मान लड़के की दे देवे कॉलोनी नहीं दें। लड़का क्यों देंगे आपको? आपको मिलनी चाहिए। हम एक दें कॉलोनी, एक हमारी एक जगह पर ही है यहाँ पर। यहाँ प्रधान लोग से पूछते वो कहते 2011 के बाद में कोई सूची नहीं जारी हुई अभी तक। सूची जा रही, सूची जब कोई लोगों ने, हम लोगों ने पूछता नहीं कोई बात, तो सूची कहाँ जाइए। सही बात, आप पूछना चाहिए बिल्कुल। कोई बात पूछे हम लोगों ने कहा तुम्हारे कमी कौन चीज तो होता बताइए भाई। हैं ऐसा क्या? आप बताइए आपका क्या काम हुआ, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? भैया हमारे लेटरिन बनी और कुछ नहीं बनो है। तो प्रधान से आप लोग कहते क्यों नहीं कुछ? आप कुछ नहीं बना, आप वो भी कह रहे कुछ नहीं बना। आप कह रहे हैं सब लोग कहेंगे आपके काम नहीं हुआ, तो आप कहें जाके आपने प्रधान से कभी कुछ कहा कि नहीं? हमने तो कभी कॉलोनी दो। कौन है आपके गांव का प्रधान? कौन है प्रधान जी? है महेश है या विजय? एक बताइए आप, कोई महेश बता रहा, कोई विजय बता रहा, कौन है? महेश प्रधान है, विजय चला रहे हैं। ये चला ही रहे हैं? नहीं कोई ठेला वेला चला रहे हैं क्या? प्रधान कौन है? प्रधान ऐसे महेश आए। कुछ ना करवा काम? कुछ नहीं कराया। क्या नहीं कराया पता ना भाई, कहा ना करवा। अरे शौचालय आवास वगैरह जो भी है सब मिले हैं कि नहीं मिले? नहीं मिली, कता भी ना मिली हमारे। कुछ नहीं मिला हमारे घर में चल के देख लो आप। क्या नहीं मिला? लेटरिन नहीं मिली, नाली नहीं बनी हमारी, मोहरा पत्थर से। प्रधान से कुछ आपने प्रधान से कभी कहा है कि नहीं? आ? प्रधान से कहा कि नहीं? कहा भाई, ना ही बनाओ भाई। क्या कह रहे हैं वो पता ना, क्या कह रहे हैं? तो प्रधान गांव लोग रहे प्रधान। नहीं नहीं क्या कहा उन्होंने? जो आपने जब शौचालय बनवाने के लिए कहा तो क्या कहा उन्होंने? हम तो कहते रुपया 9000 दे, तो हमने लिखे 9000 रुपया, 12000 खाता हुआ तो खाता भेजब 9000 12000। वो 9000 देने के लिए कह रहे लौड़ा कर नाली मारे 9000। अब आप बताइए आप क्या देख रहे हैं? आप सब सारी ठराई बन दी, लाटरी सबकी बन चुकी है, सबकी बन गई है। एक आदमी आई सबकी बन, सबकी बन गई है। ये लोग क्या बता रहे हैं? नहीं बनी है। अरे बताने वाले बताओ, पूरे कमाऊ को कमाऊ को देखो जे क्या कर रही है, क्या कर रही है? देखो चलो हम जाना कहा तो की बनी वैसे कुठरी आई थी बनी और वैसे परी है यदि ना ऊपर देखो चले। ग्राम प्रधान ने क्या कहा आपसे? हमने कही लेटरिन बनाई दो, तो उनने कही कि नीचे बनवा, नीचे नहीं जगह तो कहाँ बनवा मैं, ऊपर हुई थी टंगी पड़ी। टंगी पड़ी मतलब आई है कोठरिया उसे बनाई जाए, छत पर कोठरिया बनाई जाए, गड्ढा गड्ढा नहीं खुदे। अब हमारे तो भैया कुछ पर आपका शौचालय छत पर बनवाया आपने? हाँ अब हमारा तो बनवाई ना, उन्हें कहे तुम्हारा तो बनी, हमने अपने आप बनवाई छत पर बाका बनी। तो दादी क्या हाल चाल है? ठीक है रब लल्ला। कैसा चल रहा सब? तो अरे वो खुद बताएंगे, आप क्यों बता रहे हैं? हाँ बता साला हमें ना मिलती है, हाँ पेंशन ही मिलती है। अरे पेंशन मिल रही 60 साल, 60 साल की अलग होती है, वही पेंशन होती है। अच्छा हाँ मिलती है। क्या आपकी किस बात की पेंशन? हमारे 13 साल मरे हुई गई भाई। आओ भाई ना प्रधान ने दोबारा फार्म डरवाया, दोबारा रघुनाथ प्रधान में पड़े और हमारी पेंशन नहीं आई। नहीं फार्म पड़े उसके बाद में क्यों नहीं बने? आपसे प्रधान से आपने पूछा कभी कि नहीं? पूछे ना। क्या कहा प्रधान ने? प्रधान ने कहा खाता यहाँ खाता खुलाओ, वहाँ खाता खुलाओ, खाता खुलाओ, कुछ नहीं भैया। कहाँ कहाँ खाता खुला? खाता यहाँ पहले हथौड़ा में खुलाओ, कहीं पेंशन नहीं आई, पेंशन नहीं आई, फिर कहीं इधर जा, फिर यहाँ ना मैंने खुलाओ, फिर जम्मू का नहीं खुलाओ। हाँ हाँ क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक ना है। क्या ठीक नहीं है? बटका जमीन लेती अब धान बिक्रो 800-900 रुपया में। अच्छा मिल वालों को खरीदे ना जबरती रहती है, मिल वाले देत का हमारे चावल ना उठ रहो, सरकार चावल ना उठवाई रही और हमारो काथ कार मरे जा सब। क्या मंडी में क्या कह के वो 800-900 में ले रहे हैं? वो तो 1868
बता रहे मूल्य सरकारी मूल्य 1868 है, लेकिन पिछली वर्ष जो धान बिका था मार्केट में वो भी 1400-1500 बिका था, इस बार 800-900 रुपए में धान ले रहे हैं मिल वाले। 800-900 और क्या, तो लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रही होगी आप लोगों की। 30,000 है, किसान आत्महत्या करने को तैयार है। अच्छा। और क्या, नहीं सभी लोगों के 800-900 में ले रहे या जिनकी कोई सभी एक ही रेट सभी के, कोई पूछता नहीं धान को, कोई पूछता ही नहीं, पूछता नहीं, पूरी ढिरिया की इधर उधर कर देते हैं, मगर धान के कह रहे हैं ये बेकार है। तो जो आप लोगों ने जिनको चुना है जैसे विधायक हैं सांसद हैं उन लोगों से कभी आप लोग वहाँ पर जाके उन लोगों से कहा इसकी शिकायत की आप लोगों ने? नहीं, शिकायत कोई नहीं की। वो लोग ध्यान दे रहे हैं इस तरफ नहीं दे रहे? ध्यान तो दे रहे होंगे वो लोग, कोई नहीं, यहाँ नहीं आओ, कोई नहीं बुझने वाला आया कि काश्तकारी क्या धंधा हो रहा है। जो एक बार जीत जाए तो दोबारा नहीं आओ, जो एक बार विधायक जीत जाए तो दोबारा फिर क्षेत्र में घूमने की कोई फिक्र ना करते। नहीं नहीं, क्षेत्र में ना आए, कम से कम ये तो देख ले कि जो किसानों ने अपनी लागत मूल्य जो लगाई वो तो उनकी निकले। 800-900 रुपए में धान बिक रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई विधायक इस तरफ ध्यान दे रहा है या कोई सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है? कोई नहीं दे रहा ध्यान। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? हम सरकार से यही कहना चाह रहे हैं कि हमारा धान सही रेट पे उठाए लिया जाए और साफ सफाई करवाई दी जाए तो हम सेंटर पे तोलवा दें धान थोड़ा बहुत। अच्छा। और क्या, वैसे अभी आप लोग कहाँ बेच रहे हैं धान अपना? हम मंडी में बेच रहे हैं, रोजा मंडी। रोजा मंडी में जी, मंडी में तो आप बता रहे हैं ले ही नहीं रहे वो लोग। रोजा मंडी में कोई ले ही नहीं रहा, और आते हैं और कहते हैं ये तो धान हमारे लायक है नहीं, अब मेरा चावल नहीं उठ रहा है, सरकार चावल लेगी तभी तो हम धान लेंगे। अच्छा, सरकार कह रही थी नया किसान भी ला रहे हैं उससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्या आपको लगता है उससे कोई फायदा हुआ किसानों को? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो किसी कुछ नहीं हुआ इसमें। तो आप क्या कहना चाहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार से, सरकार से क्या है, व्यवस्था से अच्छी होनी चाहिए और सरकार से क्या कहें। ये बाबा ये बताइए, आपके गांव के प्रधान ने कोई गांव में विकास कराया कि नहीं कराया? आप विकास कराओ लेकिन उसकी कोई जाँच वगैरह नहीं, भाई सही भाव या गलत भाव? नहीं जाँच होना, आप बताइए आपके स्तर से आपको कैसा लगता है गाँव में विकास कैसा हुआ? विकास भाव ऐसे ही भाव, फर्जी विकास भाव, फर्जी विकास हुआ। हाँ, अब जैसे तालाब वगैरह तो मंदिर को ग्राम समाज को फर्जी पट्टा भाव, और मुकदमा भी करोगे कि हुन्नाई सुनी, 5 लाख की पुरानी मछली पड़ी थी बेची गई, उसके बाद फिर बेची गई, लेकिन उसका SDM वगैरह अब कही गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वर्तमान और क्या होना चाहिए गाँव में जो अभी तक नहीं हुआ है, जो होना चाहिए? सांसद नहीं नहीं सांसद नहीं, हम कह रहे गाँव में ऐसा कौन सा काम है जो होना चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है? लाइटें लगी हुई थी 4 तिराहे पे, वो खुलवा के अपने अपने सही से जहाँ तक उनको चाहिए था वहाँ लगवा दी। 4 चौराहे पर से लाइटें खुलवा के लगवा दी, खुलवा के जहाँ तहाँ लगवा दी, जहाँ जहाँ उनके आदमी थे। क्या कह रहे हैं? सांसद निधि की लाइटें लगी हुई थी। हाँ। और वो इधर उधर लगा के उनके बिल भी पास हो गए दोबारा। तो आप लोग खुलवाने क्यों दी? अब जहाँ लगी थी वहाँ मतलब उन्होंने खुलवाई। अच्छा, तो क्या लग रहा है अगला जो चुनाव आ रहा है पंचायत चुनाव, उसमें आप प्रधान क्या दूसरा बदलेंगे? हाँ बदली, जिला पंचायत सदस्य कौन है आपके क्षेत्र का? वही राम सागर। नहीं राम नहीं, राम सागर नहीं है, पता ही नहीं कि जो क्या जिला पंचायत सदस्य कौन है। कभी इधर आई नहीं, उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। रूबी, हाँ रूबी, रूबी है। अगली बार रूबी को ही चुनेंगे या कोई और दूसरा जिला पंचायत सदस्य होगा? हम तो दोबारा दिखाई दी भी नहीं, और क्या। तो अगली बार चुनेंगे वो क्या दोबारा दिखाई देंगे? नहीं नहीं, अब वो नहीं हो सकती हैं, वो नहीं हो सकती हैं। अगली बार जिन्हें चुनेंगे क्या वो दोबारा दिखाई देंगे आपको लगता है? पब्लिक चुनती है तो अच्छा समझ के है, लेकिन जो सबके अपना अपना जेब भरते हैं सब, कोई कार्य करना उचित नहीं समझते हैं। तो पब्लिक जब चुनती है किसी भी नेता को, जैसे प्रधान को चुनती है, जिला पंचायत सदस्य को चुनती है या विधायक को चुनती है, क्या देख के चुन, आप लोग क्या देख के वोट देते हैं किसी भी नेता को? फिलहाल जैसे सर्वे के हिसाब देखते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसी हिसाब से वोट देते हैं। सर्वे के हिसाब से, आप सर्वे के हिसाब से डिपेंड करते हैं कि कौन? पब्लिक कहती है उसी तरीके से देखते हैं कि पब्लिक कहती है, या आप क्या सोचते हैं? हम भी देखते हैं कौन अच्छा है और उसी हिसाब से वोट देते हैं, लेकिन ये थोड़ी ना पता होता कि ये आदमी ऐसा काम करेगा या भाई अच्छा काम नहीं करेगा। अच्छा बाबा ये बताइए, 2 प्रत्याशी खड़े हैं आप किसी चुनाव में, एक आपकी जात का है ठीक है और वो काम अच्छा नहीं कर रहा है, और दूसरा प्रत्याशी वो आपकी जाति का नहीं है काम अच्छा कर रहा है, किसे चुनेंगे आप? नहीं, हम जाति को नहीं मानते हैं। आप जाति को नहीं मानते हैं? कितनी % जनता जाति को नहीं मानती है? हम तो बिल्कुल नहीं ना मानते हैं, हम तो जातवाद को नहीं मानते हैं, जातवाद। लेकिन ज़्यादातर क्षेत्र में नहीं, क्षेत्र में जनता जो वोट जो देती है वो तो ये देखती है हमारी जाति का कौन है, फिर कहते हैं वो काम नहीं कर रहा, काम कैसे करेगा फिर वो? नहीं, हम जात से वोट नहीं, काम करने वाला हो कोई जात को हो, कोई जाति का हो। अच्छा, आपको क्या लगता है जात को देखकर देना चाहिए वोट या काम को देखकर? बिल्कुल नहीं देना चाहिए, जातवाद बिरादरी क्या है, किसी इंसान को अच्छा है जो कार्य करने में अच्छा हो उसी को प्रतिनिधि चुनना चाहिए।
नेता हम लोगों के बीच से निकलते हैं। नेता भी जैसे काम वोट चुनाव से पहले कहते हैं हम ये काम करेंगे वो काम करेंगे, चुनाव के बाद नहीं करते हैं। ऐसे हम लोग भी कहते हैं हम तो जाति देख कर नहीं देते हैं वोट, हम तो काम देख कर देते हैं, लेकिन चुनाव आता है तो हम लोग जाति देख कर ही वोट दबा वहाँ पर देख के आते हैं। फिर गलती हम लोगों की है और हम लोग कहते हैं कि नेता काम नहीं कर रहा है, ऐसा है कि नहीं है बताइए। नहीं ऐसा है कि जाति बिरादरी तो अलग चीज़ है, लेकिन वोट दिया वही जाता है जो सभ्य होता है, हम लोग सोचते तो यही है। लेकिन ये थोड़ी पता कि दोबारा फिर कार्य करेगा कि नहीं करेगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, जो है ठेका अपने आप ले लेता है, अपने लड़के को आगे बढ़ाता है, किसी का किसी को देखता ही नहीं। जी तो अगला जिला पंचायत सदस्य किसे आप चुनेंगे पता है कोई है सर आपकी नज़र में? अभी तो कोई नहीं है, किसी का है नहीं, आगे चला आगे देखें कौन अच्छा है उसी को उसका समर्थन करें। तो आप अपनी जाति का देंगे वोट या? नहीं नहीं जाति से कोई मतलब नहीं, कार्य करने वाला हो जिला पंचायत सदस्य जो भी होंगे उनको आप सिर्फ यही देखेंगे जाति, बाकी उनका काम तो अभी देखा नहीं आपने, कैसे आप चुनेंगे? तो आगे चल के आगे भविष्य में इनका देखा है, अगर अच्छा कोई प्रतिनिधि देखेंगे जिसने भविष्य में कोई काम किया होगा उसको चुनेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। बाबा आपको क्या लगता है कैसे देना चाहिए वोट? वोट जातवाद में नहीं देना चाहिए, काम करता को देना चाहिए, अगर नहीं वो चुन सही चलाएगा तो फिर हटाया जाएगा, उसको वोट नहीं देंगे। विधायक जी आपके कैसे हैं, काम कराया कि नहीं कराया? अरे विधायक जी विधायक काम बढ़िया नहीं कराया। कौन है विधायक? मान महेंद्र सिंह। अच्छा सांसद कौन है आपके? अरुण सागर। अरुण सागर हैं। कोई काम हम कराया, एक साल हो गए शायद उन्हें? मेरे गाँव में कुछ नहीं हुआ, मेरे गाँव कभी आए नहीं, आए सबने। अच्छा हाँ और यहाँ जीत भी बहुत बड़ी उनकी, लेकिन आज तक आए नहीं। अच्छा पिछली सांसद जो थी कृष्णा राज जी, उनका टिकट इसीलिए काटा गया था कि वो क्षेत्र में किसी से मिलने नहीं आ रही थी, इसीलिए उनका भाजपा ने टिकट काट दिया। ठीक है, आपने वोट सांसद के चेहरा देख के दिया था या मोदी जी का चेहरा देख के दिया था? मोदी जी को चेहरा देख के आपने वोट दिया। फिर चाहते सांसद काम करे, कैसे सांसद काम करेगा फिर? मोदी जी से काम आप लीजिए बताइए। मोदी जी के जो अंडर में मोदी जी के नंबर मोदी फिर कहेंगे इनका टिकट काट देंगे, दूसरे को दे देंगे टिकट काट देंगे, अच्छे वाले और को दी वो दूसरा आएगा उसको देंगे, वो भी जैसे जो वर्तमान सांसद हैं वो बैठे हैं अगले आएंगे वो भी बैठेंगे। आप जो है सांसद का चेहरा देख के वोट देना चाहिए, विधायक का चेहरा देख के वोट देना चाहिए, जाति ना ही पार्टी देखनी चाहिए ना जाति देखनी चाहिए, ऐसा है कि नहीं है? ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल।